सुबह के 6 बज रहे हैं और बुल्ली आराम से बेड पे सो रहा है। वहीं गुल्ली सुबह सुबह से पबजी गेम खेलने में लग गया है। गुल्ली को गेम खेलने का बहुत शौक है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के गेम खेलता है और रात में भी काफ़ी देर तक गेम खेलता रहता है। लेकिन बुल्ली इतना ज़्यादा गेम नहीं खेलता है, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है। और अभी भी बुल्ली घोड़े बेच के सो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बुल्ली सो के उठता है और वो देखता है कि गुल्ली पबजी गेम खेल रहा है। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुमने सुबह सुबह से पबजी खेलना शुरू कर दिया। फिर गुल्ली दांत दिखाता हुआ कहता है, यस ब्रो आई एम प्रो। तुम्हारी तरह नूबड़ा नहीं हूँ मैं, पिछले ही गेम में चिकन डिनर किया है मैंने, समझे कि नहीं। और इतना कह के वो अपना गेम खेलता रहता है। फिर बुल्ली कहता है, तुम्हें गेम का ही याद रहता है या कल कुछ स्पेशल है वो भी तुम्हें याद है। गुल्ली कहता है, यस ब्रो कल हमारे दोस्त पॉटी बॉय सोन का बर्थडे है ब्रो। गुल्ली कहता है, चलो कुछ तो याद है तुम्हें। तो अपने बेस्ट फ्रेंड सोन के लिए कुछ सोचा है या नहीं, उसके बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना है या नहीं। फिर गुल्ली कहता है, ब्रो ये वाला गेम ख़त्म करके अभी मैं एक शानदार सा गिफ्ट ऑर्डर करता हूँ, टेंशन ना लो तुम बिल्कुल। हमारे दोस्त सोन का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। फिर बुल्ली कहता है, तुम रहने दो तुम बस अपना गेम ही खेलो। और इतना कह के वो पास वाली मेज के पास जाता है और वहाँ से फ़ोन उठा के गिफ्ट की शॉप पे फ़ोन लगा देता है। बुल्ली कहता है, भैया कल हमारे बेस्ट फ्रेंड सोन का बर्थडे है, तो कोई ऐसा गिफ्ट पैक करके भिजवा दो जिसे देखते ही हमारा दोस्त खुश हो जाए और जो गिफ्ट हम लोगों को ज़िंदगी भर याद रहे। और फिर फ़ोन काट कर वो फ़ोन उसी टेबल पे रख देता है। वहीं गुल्ली भी अपना गेम ख़त्म कर कंप्यूटर को बंद कर देता है और चेयर घुमा के बैठ जाता है। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों गप्पे मारने लगते हैं और गिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर कुछ घंटे बाद उनके घर की बैल बजती है। बैल की आवाज़ सुनकर गुल्ली दौड़ के जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो गेट पे एक डिलीवरी मैन खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट रहता है। गुल्ली इस गिफ्ट को लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई इसे खोल के देखूं इसमें क्या गिफ्ट आया है। बुल्ली कहता है, नहीं इस गिफ्ट को सीधे सोन ही खोलेगा और मुझे तो लग रहा है इसमें कोई शानदार ही गिफ्ट होगा और कल जब सोन इस गिफ्ट को खोलेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, तुम इस गिफ्ट को अभी रख दो। फिर गुल्ली इस गिफ्ट को सोफे पे रख देता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली भाई क्यों ना एक शानदार सा केक भी ऑर्डर कर दिया जाए, अपने पोटी बॉय सोन को तो केक बहुत ज़्यादा पसंद है। गुल्ली कहता है, ठीक है, और वो केक वाले को भी फ़ोन कर देता है। गुल्ली कहता है, भाई साहब कल हमारे दोस्त का बर्थडे है और कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आपके पास केक हो तो वो वाला बुक कर देना, और कम से कम 3 मंजिल का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम 3 लोग हैं, और अगर आपका केक अच्छा लगा तो अगली बार से आपके पास से ही मंगाया करेंगे। और जल्द से जल्द ये वाला केक भिजवा दो क्योंकि हम अपने दोस्त को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और इतना कह के बुल्ली फ़ोन रख देता है। फिर 1 घंटे बाद फिर से उनके घर की बैल बजती है और फिर से गुल्ली दौड़ के जाता है। और जब वो अपने घर का गेट खोलता है तो बाहर एक आदमी एक बड़ा सा केक लेके खड़ा रहता है। ये केक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लगता है गुल्ली ने ये केक पहले भी खा रखा है।
अगर आप लोगों को पता है ये केक आपने पहले कहाँ पे देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर गुल्ली वो वाला केक लेके घर के अंदर आ जाता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली भाई ये केक हमने पहले भी कहीं खाया है और इस केक में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है ये केक बहुत ज़्यादा मीठा और मज़ेदार है। फिर बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली मुझे भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, चलो इस केक को तुम रख दो, अब कल तो सोन का बर्थडे बहुत ही शानदार तरह से मनाया जाएगा। फिर गुल्ली उस केक को उस टेबल के ऊपर रख देता है और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपना घर सोन के बर्थडे के लिए सजाने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों सोन का बर्थडे अपने ही घर पे मनाएंगे। गुल्ली और बुल्ली ने पूरा घर सजा दिया है और ये घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरे दिन मेहनत करने की वजह से गुल्ली और बुल्ली बहुत ज़्यादा थक गए हैं और रात भी हो चुकी है, तो दोनों बिस्तर पे जाते ही तुरंत सो जाते हैं। जब वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं तभी उस गिफ्ट में से हलचल होती है और अरे ये तो एक स्कैरी डॉल है जिसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी है। फिर वो स्कैरी डॉल हवा में उड़ते हुए बुल्ली के पास जाती है और अपनी आंखों से लेजर निकाल के बुल्ली की टांग काट देती है। ये स्कैरी डॉल बुल्ली की टांग इतने आराम से काटती है कि बुल्ली को पता भी नहीं चलता और बुल्ली के पैर में से बहुत सारा खून निकल जाता है। और जब बुल्ली को कमज़ोरी से लगती है तो वो उठता है और देखता है कि उसकी टांग कटी पड़ी है। फिर बुल्ली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ कोई देखो मुझे, ये मेरी टांग को क्या हो गया है। लेकिन बुल्ली की ये आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, लगता है बुल्ली की आवाज़ चली गई। फिर बुल्ली साइड में देखता है तो वो स्कैरी डॉल उसे दिखाई दे जाती है और फिर वो स्कैरी डॉल बुल्ली पे हमला कर देती है। बुल्ली पे हमला करने के बाद वो इस कैरी डॉल बुल्ली को उस गिफ्ट के अंदर ले जाती है। और बुल्ली के उस खून के निशान को भी गायब कर देती है। इसके बाद वो गिफ्ट को बंद कर देती है और बुल्ली के एक एक हिस्से को खाने लगती है। लेकिन गुल्ली को कुछ भी नहीं पता, वो तो बस घोड़े बेच के सो रहा है। और जब सुबह गुल्ली सो के उठता है तो वो देखता है बुल्ली अपनी जगह पे नहीं है। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 10 बज रहे होते हैं। फिर गुल्ली सोचता है, यार आज भी मैं बहुत लेट उठा, कहीं बुल्ली और सोन ने अकेले तो बर्थडे नहीं मना लिया और सारा केक अकेले तो नहीं खा लिया। फिर उसकी नज़र केक की तरफ जाती है, फिर सोचता है चलो अभी बर्थडे नहीं मनाया, एकदम सही समय पर उठाऊँ मैं। फिर वो गुल्ली को आवाज़ लगाने लगता है, बुल्ली बुल्ली कहाँ हो भाई। लेकिन गुल्ली को कोई जवाब नहीं मिलता, जवाब मिले भी तो कैसे, बुल्ली को तो वो स्कैरी चुड़ैल खा चुकी है। फिर गुल्ली पूरे घर में जाके देखता है
लेकिन बुल्ली उसे कहीं नहीं मिलता। फिर गुल्ली सोचता है, हो सकता है बुल्ली सोन के लिए कोई गिफ्ट लेने गया हो और मुझे और सोन को कोई सरप्राइज देना चाहता हो। फिर वो सोफे पर बैठ के बुल्ली का इंतज़ार करने लगता है और गुल्ली बार बार केक की तरफ देख रहा है क्योंकि गुल्ली का जी ललचा रहा है और गुल्ली के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि केक में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद घर की बैल बजती है। गुल्ली सोचता है ज़रूर बुल्ली ही होगा और जब गुल्ली घर का गेट खोलता है ये तो पॉटी बॉय सोन है। फिर गुल्ली पूछता है, सोन बुल्ली कहाँ है? सोन कहता है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो अभी अभी आया हूँ। फिर गुल्ली कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेने गया है। चलो कोई नहीं, अंदर आ जाओ। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद सोन चारों तरफ देखता है तो घर काफ़ी सजा हुआ था। सोन कहता है, वाह भाई वाह, क्या इंतज़ाम किया है तुमने, दोस्त हो तो तुम जैसे। और ये केक, इस केक को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर गुल्ली तुरंत बोलता है, अपने इस पानी को अपने मुंह में ही रखो, पहले बुल्ली को आने दो, फिर तीनों मिलके धूमधाम से तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे और इस केक को भी खाएंगे। फिर दोनों बैठ के गुल्ली का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन बुल्ली अभी भी नहीं आता। फिर सोन कहता है, गुल्ली भाई यार बुल्ली को फ़ोन लगाओ, इतनी देर हो गई है, अब तो मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब तो मुझसे बिल्कुल रहा भी नहीं जा रहा। फिर गुल्ली बुल्ली को फ़ोन लगाता है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बुल्ली कहता है, यार बुल्ली का फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, चलो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर बुल्ली नहीं आएगा तो हम दोनों मिलके केक खा लेंगे, बाढ़ में जाए बुल्ली टुल्ली। फिर वो दोनों इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो गई है, बुल्ली अभी तक नहीं आया। फिर गुल्ली कहता है, सोन तुम एक काम करो, तुम ये वाला गिफ्ट लेके घर पे चले जाओ, जब बुल्ली घर पे आ जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा और फिर हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। इतना कहकर गुल्ली वो गिफ्ट सोन को दे देता है। जब गुल्ली उस गिफ्ट को सोन को देता है तो उस गिफ्ट में से स्कैरी डॉल की आवाज़ आती है। सोन कहता है, गुल्ली तुमने कोई आवाज़ सुनी? गुल्ली कहता है, नहीं भाई मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर सोन वो गिफ्ट लेके अपने घर चला जाता है। वहीं गुल्ली को भी इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो जाता है, अब रात भी हो गई है। गुल्ली को लगता है शायद बुल्ली सोन के घर गया हो तो गुल्ली सोन को फ़ोन लगाता है। गुल्ली पूछता है, सोन क्या तुम्हारे घर पे बुल्ली आया है? सोन कहता है, नहीं भाई बुल्ली तो मेरे घर पे नहीं आया। अभी तक बुल्ली घर पे नहीं पहुंचा? कहीं बुल्ली के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? तुम एक काम करो, तुम तुरंत मेरे घर पर आ जाओ, फिर हम दोनों बाबा के पास चलेंगे। फिर गुल्ली कहता है, ठीक है। सोन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तभी इस स्कैरी डॉल ने सोन पे हमला कर दिया है। और इसके बाद वो स्कैरी डॉल अपने लेजर से सोन के हाथ पैर और गला काट देती है।
वहीं गुल्ली भी सोन के घर पहुंच जाता है। जब गुल्ली सोन के घर के गेट के पास में आता है तो वो देखता है कि कमरे के गेट पे खून पड़ा है। तो फिर वो आगे बढ़ के गेट खोलने लगता है। जब गुल्ली गेट खोलता है तो उसे लगता है कि गेट के पीछे कोई है, इसलिए वो आराम से गेट के पीछे झांक के देखता है। लेकिन गेट के पीछे से कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र नीचे पड़ती है, जमीन पे पूरा खून ही खून रहता है। और जब वो आगे देखता है तो उसे सोन की लाश पड़ी दिखाई देती है। सोन की लाश को देख के गुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पे जिसने मेरे दोस्त सोन को मारा है? जिसने भी मेरे दोस्त सोन की हालत की है उसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद गुल्ली घर में चारों ओर देखने लगता है। लेकिन गुल्ली को घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र सामने पड़े गिफ्ट की ओर जाती है। गिफ्ट खुला हुआ रखा था। फिर गुल्ली को शक होने लगता है। उसे लगता है कि गिफ्ट में ही जरूर कोई गड़बड़ है। फिर वो गिफ्ट के पास में जाता है। जब वो गिफ्ट के पास जाके गिफ्ट के अंदर की ओर देखता है तो गुल्ली की कटी हुई टांग उस गिफ्ट में दिखाई देती है। इस कटी हुई टांग को देख के गुल्ली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि सोन के साथ साथ बुल्ली भी मारा गया है। लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता कि बुल्ली और सोन को किसने मारा। वहीं वो स्कैरी डॉल काफ़ी देर से छत पे उल्टी लटकी है, लेकिन गुल्ली की नज़र उस स्कैरी डॉल पे नहीं जा रही। वो बस चारों तरफ कमरे में ही देख रहा है। फिर अचानक से वो स्कैरी डॉल गुल्ली पे हमला कर देती है। लेकिन गुल्ली इस स्कैरी डॉल के वार से बच जाता है। इस स्कैरी डॉल के देख के गुल्ली को डर लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा गुल्ली में गुस्सा भरा है क्योंकि इस स्कैरी डॉल ने उनके प्यारे दोस्त गुल्ली और सोन को मार दिया है। फिर गुल्ली पास में पड़े सामान को उठाता है और स्कैरी डॉल पे फेंक के मारता है। ये क्या हुआ, स्कैरी डॉल तो गायब हो गई। फिर गुल्ली चार तरफ देखता है लेकिन स्कैरी डॉल उसे कहीं दिखाई नहीं देती। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्कैरी डॉल से लड़ाई करे या बच के भागे। फिर गुल्ली पास में पड़े डंडे को उठाता है और स्कैरी डॉल पे हमला कर देता है। ये डंडा स्कैरी डॉल को लग जाता है और वो तुरंत गिर जाती है। बस फिर क्या था, गुल्ली को तो मौका मिल गया। फिर वो गुल्ली उस डंडे से कई बार उस स्कैरी डॉल पे हमला करता है। जब थोड़ी देर बाद गुल्ली रुकता है तो वो देखता है कि स्कैरी डॉल कोई हलचल नहीं कर रही है। लगता है स्कैरी डॉल मारी गई और गुल्ली को लगता है कि उसने बुल्ली और सोन की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन बुल्ली और सोन को ज़िंदा भी करना है और ये काम केवल बाबा ही कर सकते हैं। फिर गुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए बाबा को फ़ोन लगाता है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बाबा का तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है, लग रहा है बाबा तपस्या करने गए हैं। अब मुझे खुद ही बाबा के पास जाना पड़ेगा।
वो जैसे ही पापा के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी नज़र फिर से स्कैरी डॉल पर पड़ती है और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर वो बल्ला उठा के फिर से स्कैरी डॉल की धुनाई शुरू कर देता है। इतनी देर तक धुनाई करने के बाद गुल्ली का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और फिर गुल्ली वो वाला गिफ्ट उठाता है जिसमें बुल्ली की टांग पड़ी थी और वो गिफ्ट लेके बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही गुल्ली गेट खोलता है कि तभी जैसे ही वो स्केरी डॉल गुल्ली पे हमला करने के लिए जाती है कि तभी डोर की बेल बजती है। इस डोर की बेल की आवाज़ सुन के वो स्केरी डॉल छत पर उल्टी लटक जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उस दरवाजे को ओपन करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो गेट पे बाबा खड़े होते हैं। बाबा एकदम सही समय पे आए हैं। अगर बाबा थोड़ा सा लेट हो जाते तो गुल्ली का भी काम तमाम हो जाता। फिर बाबा नीचे की तरफ देखते हैं तो सोन की लाश उसे दिखाई देती है और उस लाश के पास में ही गुल्ली भी पड़ा रहता है। सोन और गुल्ली की हालत देख के बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बाबा की नज़र उस स्कैरी डॉल पे जाती है। जब बाबा गौर से उस स्कैरी डॉल को देखते हैं तो बाबा को पता चलता है ये स्कैरी डॉल नहीं, ये एक ग्रैनी है जो एक समय पे बाबा की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो चलते हैं 70 साल पहले। जब बाबा जवान हुआ करते थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे बाबा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बाबा अपना पूरा पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारते थे। ये दोनों साथ में पार्क में घूमते थे और बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। एक दिन बाबा चुपके से देख लेते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो जादू टोना करती है और कई सारे तंत्र मंत्र भी करती है। फिर अगले दिन बाबा उससे बहस करते हैं और कहते हैं कि ये सारे काम छोड़ दो। इन सारे कामों से आम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन बाबा की जो गर्लफ्रेंड थी उसने ये सारे काम छोड़ने से मना कर दिए और बाबा को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। Thank you.
गर्लफ्रेंड के छोड़ने के चले जाने के बाद बाबा ने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया और पहाड़ पे जाके तपस्या करने लगे। वहीं बाबा की जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत बड़ी जादू टोना करने वाली बन गई और उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां भी आ गई। और आजकल वो स्केयर डॉल बनके लोगों का मांस खाती है। वहीं जब स्केयर डॉल बाबा को गौर से देखती है तो उसे ही पता चल जाता है कि ये वही बाबा हैं जिससे वो जवानी में प्यार किया करती थी। फिर बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम ये सब काम छोड़ दो, और आज जब तुम इतने सालों बाद मिली हो तो तुमने मेरे सबसे ज़्यादा चहेते गुल्ली बुल्ली और सोन का ये हाल कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक मौका दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और लौट के कभी मत आना, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगा, चली जाओ यहाँ से। लेकिन ये स्केयर डॉल बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ भी हैं और ये बाबा को आसानी से हरा भी सकती है। फिर वो स्केयर डॉल कहती है ठीक है, मैं हमेशा अकेले यहाँ से चली जाती हूँ, और इतना कह के वो स्केयर डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर बाबा आगे बढ़ के सोन को जिंदा करने लगते हैं। लेकिन ये स्केयर डॉल कहीं नहीं गई, ये स्केयर डॉल बस बाबा को पागल बना रही थी। जैसे ही बाबा अपनी शक्तियों से सोन को जिंदा करते हैं तो तभी वो स्केयर डॉल गुल्ली पे हमला कर देती है। जब ये स्केयर डॉल गुल्ली पे भी हमला कर देती है फिर बाबा गुस्से में कहते हैं कि पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जाने दूँ, लेकिन गुल्ली पे हमला करके तुमने अपनी मौत को दावत दे दी और लोगों के भी कमेंट आए कि तुम्हें मार दिया जाए तो अब तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा और आज तुम्हारा नरक में जाना तय है। बाबा की ये बात सुन के स्केयर डॉल हंसने लगती है क्योंकि ये स्केयर डॉल बाबा को हल्के में ले रही है। तभी बाबा स्केयर डॉल पे अटैक कर देते हैं। When we come to see the teddy bear here to play, if you don't come play with us, then we will kill you. इस स्केयर डॉल ने बाबू को भी खा लिया। और अब बाबा का नंबर है। फिर बाबा अपनी जेब से जादुई बोतल निकालते हैं और उस स्केयर डॉल को इस बोतल में बंद कर देते हैं।
और इसके बाद बाबा उस बोतल में आग लगा देते हैं। और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों को जिंदा करते हैं। फिर उन तीनों के जिंदा हो जाने के बाद बाबा उनसे कहते हैं कि इतने सालों की तपस्या से केवल मुझे ये शक्ति मिली थी कि मैं तीन बार ही किसी को जिंदा कर सकता हूँ, और वो तीन बार पूरे हो चुके हैं। तो अब हो सके तो तुम सभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, जिम जाओ और अपने आप को हेल्दी रखो ताकि तुम किसी भी शैतान से भिड़ सको। फिर गुल्ली कहता है, बाबा हम दोनों तो एक्सरसाइज कर लेंगे और जिम भी चले जाएंगे, लेकिन इस पॉटी बॉय सोन का कोई भरोसा नहीं, इसे तो बस खाना और पॉटी करना ही आता है। तभी तो हम दोनों ने इसका नाम पॉटी बॉय सोन रखा है। ये बात सुन के ही पॉटी बॉय सोन अपने दांत दिखा देता है। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आज हमारे पॉटी बॉय सोन का बर्थडे है, तो क्यों ना हम सब जाके अपने पॉटी बॉय सोन का बर्थडे धूमधाम से मनाएं, और हम दोनों ने मिलके तो सोन के लिए अपना घर भी सजा के रखा है। फिर बाबा कहते हैं, क्यों नहीं, पॉटी बॉय सोन का बर्थडे और मैं ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर सभी लोग मिलके गुल्ली और बुल्ली के घर जाते हैं और धूमधाम से सोन का बर्थडे मनाते हैं। तो दोस्तों स्काई डॉल का ये लास्ट पार्ट था। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।